चल। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। काफ़ी टाइम से इस फिल्म का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि ऋतिक रोशन एक्शन के लिए जाने जाते हैं और टाइगर श्रॉफ स्टंट्स के लिए, तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स हैं, स्टंट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो साहू मूवी से जो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे, वो कसर ये मूवी ने निकाल दी पूरी। जी दोनों आई थिंक बोथ ऑफ देम कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि दोनों ने ही बहुत ही अच्छा अपना रोल निभाया है और उसके साथ साथ स्टोरी स्क्रीन प्ले बहुत ही ग्रिपिंग है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ब्रिलियंट है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इट हैज़ बीन शॉट इन डिफरेंट लोकेशंस, सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर और एक्शन फिल्म लवर्स के लिए तो इट्स अ मस्ट वॉच। वैसे मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आई शो यू नो ही इज़ द किंग ऑफ एक्शन, सो जिस तरह का उनका फिजीक है और उनका यू नो द वे ही डज इट, ही इज़ जस्ट फिनोमिनल। और टाइगर श्रॉफ हैज़ हिज ओन पर्सनैलिटी, सो दोनों अपने उसमें बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया, बहुत अच्छा एक्शन। टोटल इट्स अ टोटल एंटरटेनर, आई लव्ड इट। आई एम नॉट श्योर वाई इट्स गेटिंग मिक्सड रिव्यूज़, बट जो साहू के टाइम हम लोग ने बहुत एक्सपेक्ट किया था, दिस इज वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। जी आई थिंक शी इज़ ऑल्सो डिसेंट एक्ट्रेस, बट बिकॉज इट्स एन एक्शन मूवी तो सारा ध्यान ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की तरफ ही था हम लोग का, तो बट सबके परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा सिनेमाटोग्राफी म्यूजिक एवरीथिंग इज, फिल्म को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया, 2.5 घंटे की मूवी है तो कम्प्लीट एंटरटेनमेंट। मुझे सारे गाने अच्छे लगे, विशाल शेखर का म्यूज़िक आई एम अ फैन ऑफ। डायरेक्शन कितना बांध कर रखता है? डायरेक्शन ही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी लोगों ने पहले रिव्यूज़ दिए थे कि एक्शन मूवीज़ में ये होना चाहिए, इट्स नॉट ग्रिपिंग, वो सबको ऐसे लगता है कि उन्होंने फीडबैक लिया और वो इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, सो वो जो ट्रेलर में दिखता है वो एक्चुअली यू कैन सी इट ऑन स्क्रीन। 4 स्टार्स। कैसी लगी फिल्म वॉर आपको? बहुत अच्छी लगी और उसमें बहुत अच्छा ट्विस्ट भी आया बीच में। ऋतिक रोशन की एक्टिंग कैसी लगी आपको? बहुत मस्त थी। बहुत मस्त। यू नो इस फिल्म में कोई गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? हाँ, वो जय जय शिव शंकर वाला, वाणी कपूर, हाँ उसकी भी एक्टिंग अच्छी लगी। ओके, एंड कितने स्टार देंगे आप? 5 में 4.5। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो और कैसी लगी आपको? इट वॉज वेरी नाइस। एंड यू नो जो स्टार कास्ट है, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, कैसे लगे आपको? इट वॉज वेरी नाइस। देखने ही ऋतिक रोशन के लिए आए थे बेसिकली, सो इट वॉज नाइस। सो जो बिग कॉम्पिटिशन है ऋतिक एंड टाइगर में, आपको सबसे ज्यादा किसका पसंद आया? इट डिडंट सीम लाइक अ कॉम्पिटिशन, ऋतिक रोशन इज ऋतिक रोशन, सो या। कोई गाना पसंद आया आपको इस फिल्म में? घुंगरू एंड वो सार ऑल सॉन्ग्स, बट घुंगरू स्पेशली। ओके, एंड आउट ऑफ 5 स्टार? 5 5। यू 5? आपको कैसी लगी? 5 5 स्टार्स। 5 स्टार्स, या या। ओके, थैंक यू। आपको वॉर कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ऋतिक रोशन माइंड ब्लोइंग इज द बेस्ट। टाइगर श्रॉफ भी अच्छा था, बट ऋतिक के सामने कोई नहीं टिक सकता यार। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, इस वीकेंड में 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। वाणी कपूर दे ऑल वे गुड, सबकी अच्छी एक्टिंग थी, मूवी अच्छी बनाई, डायरेक्शन वॉज वेरी गुड एंड एक्शन सीक्वेंस माइंड ब्लोइंग। 100% 100%, 2 बार 3 बार देख सकते हो। नहीं, गाना वॉज ओके, 1 or 2 सॉन्ग्स, बट एक्शन ऋतिक रोशन पूरी मूवी पे छाया हुआ। 5 स्टार पूरे, सब स्टार्स, 7 स्टार्स। सर आपको कैसी लगी फिल्म? बस पूरी फिल्म में ऋतिक ऋतिक छाया हुआ है, बट उसके साथ में कंपेयर में टाइगर भी हिस लाइक यू नो कमिंग क्लोजर टू हिम, तो ओवरऑल द फिल्म वॉज वेरी गुड, लाइक यू नो वर्थ वॉचिंग एक बार जरूर। एंड ऋतिक में अगर कंपटीशन की अगर बात करें, आप अपने सबसे उसके लिए तो गुरु होता है, ऋतिक जैसी बात ही नहीं है। स्टार्ट से लेके एंड के सीन तक ऋतिक जैसी बात ही नहीं है। आउट ऑफ फाइव स्टार आई गिव 4.5। या बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ बहुत अच्छी। एंड यू नो ऋतिक एंड टाइगर, यस यस, तो किसका कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ, किसका वॉर सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? आई थिंक ऋतिक रोशन का ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज वो ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगा। एंड व्हाट अबाउट टाइगर? यू लाइक टाइगर? टाइगर वाज ओके, बट ऋतिक का आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन एक्शन फॉर ऋतिक। एंड वाणी कपूर? वाणी कपूर वॉज ओके, उनके
ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था सो उतना ठीक था. या डेफिनेटली एंड कोई गाना पसंद आया? गाना वो जो घुंघरू टूट गए. आउट ऑफ 5 स्टार? आउट ऑफ 5 स्टार 4.5. दोनों का बहुत अच्छा था. वेरी नाइस. आउट ऑफ 5 स्टार इतना बता दीजिए कितने स्टार देंगे? 5 स्टार. ओके जी, थैंक यू, थैंक यू. हेलो हेलो हेलो, वन बाय वन प्लीज. कैसी लगी आपको फिल्म वॉर? वेरी अमेजिंग, लाइक क्वाइट न्यू ट्विस्ट व्हिच वरंट एक्सपेक्टेड, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग. यू नो इन द मूवी टाइगर एंड ऋतिक, व्हिच लाइक अ मोर एक्टिंग यू लाइक वॉर? यू कांट कंपेयर देम, दे बोथ आर ऑसम. सो both of them have amazing roles, it will keep you intact. Who's your favorite, like Hrithik and Tiger? Obviously Hrithik, because we have seen him after so long on the movie, so obviously there was a more fan base for him than Tiger. So did you think it's a full paisa vasool movie? Full paisa vasool. Okay, you like direction in the movie? Amazing direction, like quite a touch of Hollywood. Mm-hmm. Oh, and you like Vani Kapoor? Vani Kapoor, she had a very pretty role, so couldn't judge her more on the movie. Any song you like in the movie? If say Ghungru. Out of 5 stars? 4.5. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. सर कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी. लाइक MI4 और ये आपकी जो जेम्स बॉन्ड सीरीज है उससे काफ़ी सारे रिलेशन थे. सो एज ऋतिक सेड अर्लियर की अगर टाइगर श्रॉफ और वो एक साथ काम करते तो जेम्स बॉन्ड और MI4 का इथन हंट का सेम रोल होगा, तो दैट वॉज डेफिनेटली डेफिनेटली देयर. अमेजिंग मूवी, डू वॉच इट, गुड मूवी. टाइगर ऋतिक आपका फेवरेट और आपको पसंद आया? आई लव ऋतिक, बट दोनों का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. एंड आई जस्ट मिस्ड वन थिंग, ऋतिक की बॉडी नहीं दिखाई. टाइगर शोड इज बॉडी इन दिस मूवी, दैट्स द थिंग. आई मिस्ड इट. कोई गाना पसंद आया आपको? जय जय शंकर. वाणी कपूर? वाणी कपूर वॉज गुड, बट आई डोंट थिंक समबडी बेटर कुड हैव बीन कास्टेड इन दैट सीन. आउट ऑफ 5 स्टार? Out of 5, I would get 4. Okay, comparable to Hollywood. Thank you, thank you. Hello, any war? No, war, no sir. Okay. आपने कोई movie देखी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया movie है. ऋतिक रोशन तो best है. जी. ये अरुण है, you know, remember him? हाँ, I know. आपको कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी है movie. And basically, Ritik Roshan looking really hot. So must watch movie. And बैंग बैंग लोगों ने एंजॉय किया ना, तो ये उसका डबल डोज. यू नो टाइगर एंड ऋतिक, आपको किसका वॉर पसंद आया? मुझे तो ऋतिक यार ऑल टाइम फेवरेट हूँ. टाइगर वॉज गुड बट लेस देन ऋतिक. ऋतिक वॉज बेस्ट. वाणी कपूर इन द मूवी? वाणी कपूर का छोटा सा रोल है बट ठीक है, शी वॉज गुड इन द. गाने दो ही हैं, घुंघरू टूट गया वॉज द गुड वन. कितने स्टार देंगे? 5. मैडम आपको किसका वॉर पसंद आया? लाइक टाइगर एंड ऋतिक रोशन वाली, ही वाज लुकिंग गुड एंड ऑफ कोर्स टाइगर श्रॉफ वाज गुड, ही वाज वेरी डूइंग गुड एज पर ऋतिक, बट आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 5 ओनली. इट्स रियली मस्ट वॉच मूवी, प्लीज गो एंड सी. बहुत शानदार मूवी है. ऋतिक रोशन वॉज डैम ऑसम एंड चेला चेला ही होता है, तो ऋतिक रोशन वॉज सीनियर, सो अकॉर्डिंगली एक्टिंग करी है. एंड दोनों का आपस में ही वॉर है एंड दोनों का ही पसंद आया, बट हाँ ऋतिक रोशन वॉज ओवर शेडोइंग समवेयर टाइगर श्रॉफ. 5 पैसा वसूल मूवी. फिल्म बहुत अच्छी है. आई थिंक अगर आप लोगों को फिल्म देखनी है तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के लिए जाके देखिए. इवन द स्टोरी स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी इज सो ग्रैस्पिंग, एक सेकंड बोर नहीं होगा आपको. फैंटास्टिक मूवी. यू नो टाइगर एंड ऋतिक, किसका वॉर आपको पसंद है? ऋतिक रोशन, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ ऋतिक रोशन. मैं टाइगर श्रॉफ की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं, बट टाइगर श्रॉफ भी जो लेवल पे एक्टिंग की है टाइगर श्रॉफ ने इज सुपर. वाणी कपूर? वाणी कपूर छोटा सा रोल है लेकिन वाणी कपूर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाणी कपूर की भी एक्टिंग, जितना उनको रोल दिया था, इज वेरी गुड. कितने स्टार देंगे आप? 5. सोचने की भी जरूरत नहीं है, 5. ओके 5. मैडम हाय, कैसी लगी फिल्म वॉर? मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी यार. आई थिंक ऋतिक इज सो गुड. वो जो हॉलीवुड के टॉम क्रूज और ब्रैड पिट वाला जो फीलिंग होता है, इतना हैंडसम लग रहा है ऋतिक रोशन, ही इज सो गुड.
मुझे तो अब ऑब्वियसली ऋतिक कभी थोड़े सीनियर है और ऋतिक की एक्टिंग के हिसाब से ऋतिक बहुत ही सुपर है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने भी एक्टिंग की है और वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे डायलॉग डिलीवरी है और ऋतिक के साथ ऑन स्क्रीन वो दब नहीं रहे हैं, मतलब सही लग रहा है टाइगर श्रॉफ इसको। डेफिनेटली मतलब प्रॉपर डायलॉग्स और एक्शन सीन्स बराबर से दिखाए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत एक्शन 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 ड्रैग किया हो, तो इसलिए मुझे बहुत मजा आया मूवी देखने। गाना कौन सा पसंद आया? गाने दोनों बहुत अच्छे थे यार, और थैंक गॉड इन्होंने ज्यादा गाने नहीं रखे थे, इंटरवल के पहले एक सॉन्ग, इंटरवल के बाद एक सॉन्ग, मतलब करेक्ट दो सॉन्ग, दैट्स इट, कोई भी अननेसेसरी गाने नहीं थे। वाणी कपूर वाज गुड, हां वाणी कपूर वाज गुड। कितने स्टार देंगे आप? 5 में आई विल गिव 4.5 आई थिंक। हां इट वाज वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छी थी, एंड यू नो टाइगर एंड ऋतिक, उनका बॉडी फिजिक बहुत अच्छा था, ऋतिक की बॉडी मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसने अपनी एज के वाइज इतनी अच्छी बॉडी मेंटेन की है, इट्स अनबिलीवेबल। और उसका जो यहाँ का जो स्टोरी लाइन है वो बहुत अच्छा है, इट्स नॉट पुराने स्टोरीज जैसा नहीं है कि सेम वही रोमांस किया, गुस्से में मारा, वो सब नहीं है, और उसकी स्टोरी यूनिक है, ऐसा नहीं है कि किसका वॉर आपको पसंद आया? ये मेरे हिसाब से ऋतिक ज़्यादा बेटर थे क्योंकि उनका एज भी ज़्यादा है और फिर भी उन्होंने अपनी फिटनेस मेंटेन किया और बहुत अच्छा किया, लेकिन टाइगर भी बहुत अच्छे थे और बहुत बहुत सस्पेंस था, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थी, कभी कोई अच्छा बहुत बहुत ट्विस्ट एंड टर्न थी और बहुत अच्छी मूवी थी। वो उनका बहुत छोटा रोल था लेकिन उनकी एक्टिंग अच्छी थी, उनने जैसे पोर्ट्रे किया वो अच्छा था, बट छोटा रोल था। एंड कितने स्टार देंगे आप? 4.5 4 कोई गाना पसंद है आपको? हाँ घुंगरू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नहीं देखिए, नहीं जोकर देखिए। ओह जोकर देख, ऑलरेडी मैंने दिया आपको रिव्यू दिया वॉर का। कैसी लगी फिल्म वॉर आपको? वॉर मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं सच ए लॉन्ग टाइम में इसकी वेट कर रहा था, ऋतिक रोशन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था उसके ट्रेलर को देख के, मैं समझ गया थी इट्स ऑसम मूवी, तो आज फाइनली जो मेरा जो वेट है ओवर हुआ, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। वॉर की अगर बात करूँ ऋतिक एंड टाइगर, किसका वॉर आपको ज़्यादा पसंद आया? एक्चुअली देखा जाए तो बोथ ऑफ आर वेरी गुड इन दैट बोथ ऑफ रोल्स इन स्टेटस के हिसाब से, बोथ ऑफ आर वेरी गुड ऑसम, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी की, टाइगर आल्सो वेरी गुड इन दैट एंड ऋतिक रोशन तो ऋतिक रोशन है। वाणी कपूर बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे, बट एक चीज़ का सिर्फ इल्म रहा कि लाइक उनका जो रोल है बहुत छोटा है, बट इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी गुड। कोई गाना पसंद आया? हाँ घुंघरू टूट गए क्यों नहीं। फुल पैसा वसूल मूवी है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी वन मोर टाइम एंड आई रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू यंग जनरेशन, जो भी अपने मतलब सबके लिए है ये मूवी, मतलब थोड़ी सस्पेंस भी है, थ्रिलर है, ठीक है, एक्शन से है, अच्छे सीन है, आउट ऑफ लोकेशन से, ऑल ऑफ आर वेरी गुड, मतलब एक मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं लगेगा। कितने स्टार देंगे आप? 5.5। थैंक यू, थैंक यू।